गुड मॉर्निंग, मैं सीमा माथुर, क्लास 8 का मैथ्स करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4, चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड होता है जो हमारा करने का, एक एलसीएम होता है, एलसीएम टाइप में निकलते हैं। एक डिवीजन मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ये होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का डिवीजन मेथड से फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 2304 है फर्स्ट क्वेश्चन का। यदि फर्स्ट पार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिएगा, डिवीजन मेथड ये होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो संख्या होगी उसका क्या करना होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है जो भी यहाँ पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे बनते हैं हमारे पेयर, 2 2 के पेयर बनाने होते हैं हमें। 2 डिजिट होती है, 2 डिजिट का एक पेयर बनता हमेशा, 2 डिजिट का एक पेयर बनता हमेशा। अब जैसे क्वेश्चन है 2304, तो पहले तो साइन लगाएंगे इसका। अब 2 का पेयर ये हो गया और 2 का पेयर ये हो गया, यानी कि 2 पेयर्स बन गया हमारे। 2 डिजिट का 1 पेयर होता है, तो 2 2 डिजिट के 2 पेयर बना दिए हमने, ठीक है। अब जो इसमें होते हैं स्क्वायर होते हैं, फर्स्ट का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये मेन स्क्वायर्स हमारे, जिनको हम इन क्वेश्चंस में क्या हेल्प मिलेगी काफ़ी करने में, क्योंकि स्क्वायर पता होगा तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं, कोई भी परेशानी दिक्कत हमें आएगी नहीं, क्योंकि मेन क्या है इसमें स्क्वायर ही है। यदि स्क्वायर हमें पता होंगे तो जल्दी से कर लेंगे। अब जैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है 23 है, ठीक है जी, 23 है, तो इससे कम संख्या ले सकते हैं, इससे अभाव नहीं ले सकते, इससे छोटी संख्या ले सकते हैं, बड़ी नहीं ले सकते। ये क्या है, इसमें एक करने का तरीका होता है इसको, कि क्या करेंगे, जैसे 23 है तो 23 से 22 तक ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं, बट 24 25 ये डिजिट हम नहीं लेंगे। अब देखा जाए तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बेटा उसमें तो क्या है हमारे पास 23, इसलिए किसका स्क्वायर ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं, क्योंकि यदि 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 23 से क्या होगा, अबव होता है, इसलिए क्या करेंगे 4 का लेते हैं हम। 4 को 4 से करते हैं तो 16 आता है, ये लो जी माइनस कर दो। माइनस करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, माइनस भी तो करते हैं। 3 में से 6 जा नहीं सकता है, जैसे कैरी लिया, 13 में से 6 गए, 4 and 3 7। अब जो ऊपर का है 2 डिजिट का 1 पेयर, पूरा पेयर उतरेगा, पूरा पेयर नीचे आएगा यहाँ, ऐसा नहीं कि उसमें से 0 हम लेके आ सकते हैं नीचे, नो, पूरे के पूरा पेयर हमने नीचे उतारना होगा, पेयर उतरने के बाद नई डिजिट बनेगी। अब मैंने एक रूल और समझाया था, जो यहाँ संख्या होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 है, यदि 4 को 2 से करते हैं तो 8 आता है, ठीक है जी, समझ गए। अब जो भी संख्या होगी इसके आगे होगी, इसके राइट हैंड साइड में करेंगे और उस संख्या से करेंगे, उसको ही ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है जी। मान लो 2 को करते हैं तो 2 2 4 और 2 8 16 ऐसे बनेगा, 3 से करते हैं 3 से ऐसे ही बन जाएगा, 4 से करते हैं तो 4 से हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम देखो हिंट में दे देती हूँ आपको, पीछे 0 आ जाए 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, पीछे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 3 के टेबल से हो सकता है मोस्टली, 6 से भी हो सकता है, और मान लो पीछे आ जाए 9, तो 3 के टेबल से होगा और 7 के टेबल से होगा, हमेशा होता ही ऐसे, ठीक है। पीछे 3 आ जाए 3 से भी हो सकता है, ठीक है, और किससे हो सकते हैं, अब पीछे 6 आ जाए 2 से हो सकता है, 3 से नहीं होगा, 6 से ही होगा। तो ये क्या है, कुछ रूल्स हैं इसके, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, उन्हें जानते हो, तो आपको करने में क्या बहुत ही आसानी होगी,
कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब इसको मैंने इतना कर दिया। अब देखो यदि 4 है तो 2 से करके देखो एक बार, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, बहुत कम है जी। अब 4 किससे आ सकता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है, 7 6 ज़ा 49 होता है, 8 8 ज़ा 64 होता है। यानी कि हमें लास्ट डिजिट देखनी है क्या है, आंसर हमारा खुद ही रिमाइंड हो जाएगा। तो 8 से करते हैं, 8 8 ज़ा 64 6 कैरी 8 8 ज़ा 64 और 6 8 8 ज़ा 64 और 6 70, इतना इजी है ये हुआ आंसर, फिनिश हमारा। तो भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, होगा 48। क्या आ जाएगा आंसर, 48। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, 4489 4489। देखो अब मैं सीधा जल्दी जल्दी करूँगी, अधिक समय नहीं लगाऊंगी, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। 2 का पेयर जी, ऊपर स्पेस ही नहीं बचा। ये देखो आप किससे कर सकते हैं, 44 है तो 66 होता है 6 का, 49 7 का अधिक हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 6 से करते हैं, 36 हो गया, 14 में से 6 गए 8 बच गया, पूरा पेयर उतरेगा, ध्यान रखिएगा पूरा पेयर। ठीक है, यानी कि 6 2 जगह क्या होता है 12 होता है जी, 12 हो गया। अब इससे आगे पीछे 9 दिख रहा है, मैंने आपको बोला था 9 आ जाए तो या तो 3 के टेबल में होगा या 7 के टेबल में, 7 7 ज़ा 49 आता है क्योंकि। तो देखो पहले 3 से एक बार रिमाइंड कर लें, 3 से वैसे होगा नहीं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, उससे नहीं होगा। तो एटलीस्ट अब किससे होगा, ऑप्शन ही नहीं है, 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 14 और 4 18 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 कैरी 8, ये आ गया 889। ये लो जी रिमाइंड कर दिया मैंने, 7 से गया 67 आंसर आ गया, ये इसके गया आंसर। ठीक है, स्क्रीन एकदम क्लियर है, ना ब्लर हो रही है ना कुछ हो रही है, ऑप्शन ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा समझ आपको अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 4 को अब फटाफट से करा दूँ, इधर 4 करा दूँगी इधर थर्ड। ये देखो एक बार बुक में देखिए, इधर है 3 4 8 1, इधर है 5 2 9, 5 2 9 का तो स्क्वायर भी होता है यदि आपको पता होगा तो, होता है ना स्क्वायर। अब कुछ को नहीं पता होगा तो चलो जी देख लेते हैं, 3 4 8 1 निकालना, हमने पेयर बना दिए। ये लो जी किससे जा सकता है, 6 से करेंगे 36 हो जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25 जी, लो आगे माइनस करो 9 आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, 5 2 ज़ा क्या आता है 10 होता है। अब किस संख्या से लिए आ जाए, 1 आ रहा है, 1 से भी कर सकते हैं 1 1 ज़ा, लेकिन क्या होगा, नहीं होगा, 1 से नहीं होगा तो 9 से होगा, सिंपल है क्योंकि 9 में ही आता है 1 पीछे, 9 9 ज़ा 81, 81 का 81 9 1 ज़ा 9। ये लो जी सवाल हो गया, आंसर क्या हो गया 59। स्क्वायर में मैं आंसर को सजा रही हूँ। अब आता है 529। ये लो जी सीधा क्वेश्चन को ही कर रही हूँ, 2 का और 1 का। आप देखो इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, 529 3 डिजिट है, 3 में से 2 का पेयर राइट साइड से ही बनाना है, राइट हैंड साइड से पेयर बनेगा, लेफ्ट हैंड से पेयर कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब देखो 2 2 ज़ा 4 हो सकता है क्योंकि 3 3 ज़ा करेंगे तो 9 हो जाएगा, खतरा हो जाएगा हमारे लिए। ये लो जी 29 उतर गया, ये 2 2 ज़ा 4, अब पीछे 9 आ रहा है, क्या हो सकता है, तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, 3 से देख लेंगे, 3 से जा सकता है, 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 जी। ये लो 23 का स्क्वायर होता है 529, इतने इजी सवाल है। इससे आगे बढ़ते हैं, बुक में देखिए एक बार, 5 नंबर क्वेश्चन, 3 2 4 9 और 6 क्या है अभी, 6 को भी देख लेंगे, सभी क्वेश्चंस को कराऊंगी, आप बने रहिए क्लास में, बस सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब ये वाला है, एक बार से लिख लो यहाँ सजा के इसको। ये लो जी पेयर 2 2 के बन रहे हैं, बहुत इजी है। अब देखो अभी तक मैं कितने क्वेश्चन करा चुकी हूँ, 32 आ रहा है भाई, 6 का 36 होता है, इसलिए 5 का से करेंगे, 5 को 5 से 25,
तो कितना बचेगा 749। ये लो जी, अब 5 2 जा तो 10 होता, अब किससे करें, 3 से तो बेटा कर नहीं सकते, 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो 309 आ जाएगा, बट हमें चाहिए क्या 749, तो 7 से स्क्वेयर इसीलिए लिखवाए थे मैंने, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये लो जी, बहुत ही सी ऐसे भागेंगे क्वेश्चन हमारे, पेन के आगे भागेंगे क्वेश्चन। ये देखो पेयर बना दिया, किससे कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अधिक हो गया, 3 3 जा कर दो भाई, 3 3 जा 9, कितने बच गए 4 6 9, 3 2 जा क्या करते हैं 6 करते हैं जी, और फिर 9 आ रहा है, तो देखो 9 से करते हैं, सॉरी 9 से 7 से करते हैं, तो 7 से जा सकते हैं ना, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, इतने इजी। ये लो जी, ये भी हुआ, आंसर क्या हो गया इसका 37 और इसका क्या है 57। बहुत इजी, आप बस बने रहिए क्लास में, भाग रहे हैं हमारे साथ, क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, इतनी स्पीड से करेंगे। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 7 6 है ना स्क्रीन पे, यदि आप ध्यान से देखें 7 नंबर क्वेश्चन को, तो स्क्रीन पे आपके सामने, और क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 7 6 पेयर बना सकते हैं भाई, 2 2 के बना दिए। अब देखो 7 7 का 49 हो सकता है, 8 8 का 64 होता है, तो अधिक हो जाएगा, तो भाई 7 7 जा 49 ले सकते हैं, 49 लिया। ये लो जी 7 1 8 बच गए, 76 को उतारेंगे, 7 2 जा 14, अब 14 को किससे करें, यानी कि इससे आगे डिजिट क्या लगाई आ जाए, 3 6 है, 6 पीछे किस में आता है, 6 में आता है, तो देखो 6 से करके देखें, 6 से होगा बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने स्क्वायर रूट लगा दी, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 24, और 3 24 एंड 3 होते हैं 27 2, अब 6 1 जा 6 और 2 8 जी। ये लो बिल्कुल इजी है, ये आ गया 76, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ऐसे ही 7 9 2 1, बहुत इजी है, इसमें पेयर बना देते हैं, ठीक है। आप क्या है 64 होता है 8 का, 64 ले सकते हैं, 9 का 89 होता है, तो क्या कर सकते हैं, 8 8 जा 64, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, 81 अधिक हो गया, तो 5 4 1 बच गया। अभी पेयर पूरा ही उतरेगा नीचे, पूरी डिजिट आएंगे, 8 2 जा 16 आ गया, अब किससे करें, देखो पीछे 1 है, मैंने बोला था नीचे 1 हो, या तो 1 से जाएगा या 9 से जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 1 आता है पीछे, तो 9 से कर सकते हैं, बिल्कुल आएगा भागा भागा, 9 9 जा 81, 8 कैरी होगा, 9 6 जा 54 54, और 9 54 और 9 62, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15, ये देखो इतना इजी है, आंसर आ गया 89, देखिएगा स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा है, वो वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर में क्या है भाई, 9 नंबर में क्या है देखिएगा, 5 6 7 5 6 7 है, वही 3 डिजिट का आ रहा है, घबराना नहीं। ये लो जी 2 2 जा 4 जी, माइनस किया 1 बचा, 76 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, अब किससे करें, और 6 मैंने बताया था किस में आता है, 6 में आएगा, तो 6 से करते हैं, देखो 6 6 जा 36, 36 का 3 कैरी, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जा कितना होता है हमारा, 6 4 जा देखो कितना होता है, ये देखो 6 से करते हैं, तो 6 4 जा 24 हो गया, अधिक हो जाएगा, तो 16 भी आता है, 4 में भी हो सकता है, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, ये देखो यानी कि 24 क्या आ गया आंसर आ गया, 1 0 2 4, बहुत इजी है, 2 2 के पेयर है, 3 3 जा 9 जी, 1 बच गया, ऊपर से 24 उतारा, 3 2 जा 6, अब देखो 2 2 जा भी 4 होता है, और 8 8 जा 64 होता है, 2 डिजिट ऐसी हैं जिनमें 2
टेबल्स में एक डिजिट आ सकती है हमारी। तो टू से करके देखते हैं पहले, टू टू ज़ा टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू से ही हो रहा है। तो ये लो जी, टू टू ज़ा टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, आंसर क्या आ गया 32। स्क्रीन पे भाग रहे हैं क्वेश्चन, रुक ही नहीं रहे हैं। यदि आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सारे निकल आएंगे आपके, और उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये लो जी, पेयर बना दिया मैंने, पेयर बन गया। यानी कि सिक्स से लेते हैं तो देखो फाइव से लेंगे, सिक्स 36 हो जाएगा, फाइव फाइव ज़ा 25, माइनस करेंगे सिक्स बच जाएगा 36, नीचे आ जाएगा, फाइव टू ज़ा 10। अब किससे करें, सिक्स से कर सकते हैं, सिक्स ज़ा 36, सिक्स बन जाए सिक्स, बहुत ईजी है। 56 का क्या है स्क्वायर है नहीं, 900 तो सभी को पता है 30 का स्क्वायर होता है, लिखो ली कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम स्क्रीन पे क्यों छोड़ दें इस क्वेश्चन को। 33 जा तो 9 हो गया जी। अब 20 है, 20 में से एक जीरो ऊपर आ जाएगी, यानी कि 30 का स्क्वायर है, पता है सभी को 30 का स्क्वायर क्या होता है, हमारा 900 होता है। तो जो मैंने इस क्वेश्चन कराए इनको ध्यान से करिएगा थोड़ा सा। अब इससे एक नेक्स्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे जो मैंने स्क्वायर दिखाए थे वो देख लीजिए, और सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो ना, ठीक है। एक बार आप देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे सारे आपके सामने, कितनी जल्दी से हमने सॉल्व किए हैं, कितनी दिखाई दे रहा है सभी को। ये लास्ट फोर क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे ताकि जो फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड और भी इजी है, कुछ नहीं करना उसमें, कोई भी कैलकुलेशन यूज ही नहीं करनी है उसमें, विदाउट कैलकुलेशन के करना हमने, इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो सेकंड नंबर की तरफ आते हैं, क्वेश्चन आप बुक में है आपकी, देख सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में करने जा रही हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी कि जो हम उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा था बाय डिवीजन मेथड से करिए स्क्वायर रूट को, तो हमने डिवीजन मेथड से अभी मैंने समझाया है आपको अच्छे से। अब इसमें कह रहा है कोई भी क्या है कैलकुलेशन ही नहीं करनी, विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन का यूज नहीं करते हुए स्क्वायर रूट को बताना है कि उसकी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट है वो उसकी क्या है हमने बतानी है कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी डिजिट होती है उसका राइट साइड होता है, उससे पेयर बनते हैं टू टू के, टू के पेयर बनते हैं, चाहे दो बने, तीन बने, एक बने, पाँच बने, कुछ भी बने, ठीक है जी। सेवन डिजिट होगी तो थ्री पेयर बन जाएंगे, फाइव डिजिट होगी तो टू पेयर बन जाएंगे, वन डिजिट रह जाएगी, थ्री डिजिट हो तो वन पेयर बन जाएगा, वन डिजिट क्या रह जाएगी। अब इसमें ऐसा ही है, इसमें यदि हम क्या है इसका पेयर बनाते हैं नंबर ऑफ डिजिट का, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, अभी दो मिनट का खेल है, पूरा हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा, बने रहिए क्लास में। वन पेयर बन रहा है तो लिख सकते हैं वन डिजिट नंबर, लिख सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल वन डिजिट नंबर, वन पेयर बन रहा है वन डिजिट रह रही है, तो यानी कि टू डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, टू डिजिट नंबर, आगे बन रहा है टू ही बन रहा है तो टू डिजिट नंबर, अब बन रहा है टू टू के टू है और वन डिजिट बच गई तो थ्री डिजिट नंबर, ठीक है जी। काउंट होगा जो एक रह जाएगा वो भी उसी में काउंट होगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे इसमें बनाओ थ्री डिजिट नंबर, क्या है थ्री डिजिट नंबर। मैंने बोला था ना दो मिनट का खेल है, तीसरी मिनट नहीं लगेगी, ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, यदि वो हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जैसे डिवीजन मेथड पूछ रहा है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट की डिजिट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। इससे आगे और भी आएंगे, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर वाले आएंगे, ठीक है,
और भी फाइंड करने आएंगे, स्क्वेयर रूट को फाइंड करिए, कोई भी डिजिट डेसिमल के भी क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, ऐसा नहीं है बिल्कुल ईजी आई चलेंगे, नो, इससे आगे भी सवाल हैं। जैसे कि थर्ड नंबर सवाल है, आप स्क्रीन पे यदि देखते हो तो देखिएगा, दिखाई दिया स्क्रीन पे सभी को, देखिए बिल्कुल थ्री नंबर, क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अभी मैंने इससे पहले जस्ट एक मिनट पहले आपको बताया था कि डेसिमल नंबर्स के भी क्वेश्चन हमारे बुक में हैं, वो भी हमें करने हैं। जैसे कि इससे आगे देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वेयर के भी हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर लिस्ट वाले भी हैं, सब्ट्रैक्टेड वाले भी हैं, एडिड वाले भी हैं, सारे आएंगे, लिस्ट नंबर वाले, लिस्ट नंबर, एडिड वाले, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वेयर किसका लिस्ट का है, किसका क्या है, सब्ट्रैक्ट का है, कौन सा ऐड का, ये सारे करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे कि दिख रहा है 2.56, सभी को दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कोई बच्चा किसी को दिखाई ना दे। यदि ये क्वेश्चन है तो आप देखिए, अब नोटबुक की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन को करना वही है, स्क्वेयर रूट ही करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें स्क्वेयर रूट करना है। तो 2.56 ऐसे ही लिखेंगे, पेयर भी ऐसे ही बनाएंगे, ये लिखो एक बच्चे का, अब देखो 2 आता है तो 1 से तो कर सकते हैं, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, यदि 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो खतरा हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, तो 1 का स्क्वेयर 1 कर दिया जी, बचा गया 1। अब पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट ऊपर लग जाएगा, रुच नहीं है, 56 को हम नीचे उतार सकते हैं। अब 1 को 1 से 2 से करते हैं तो 1 2 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब किससे करें, पीछे 6 आ रहे हैं, मैंने बोला था आपको 6 6 हो सकता है, देखें एक बार करके, बिल्कुल देखेंगे, देखो 6 से करते हैं, यहाँ 6 से 6 6 36, 3 कह रही, 6 2 12 एंड 15, ये देखो, यानी कि अब वो सिंपल आ रहे थे हमारे स्क्वायर, अब ये पॉइंट में आएंगे, बस अंतर इतना है कि पॉइंट लगाना आपने और कुछ नहीं करना, पॉइंट आ जाएगा 1.6, वैसे 16 का स्क्वायर होता है 256, बट इसने दे रखा 2.56, यानी कि 1.6 का क्या है भाई स्क्वायर। अब आता है 7.29, देखो बहुत इजी है, ये भी करते हैं, पेयर बना दिया, ले लो 3 3 9 होता है, 2 2 4 होता है, 3 3 9 अबाव हो जाएगा, 2 2 4 ठीक रहेगा हमारे लिए, 3 आ गया, 29 आ जाएगा, 29 उतारने से पहले पॉइंट को सजा देंगे, 2 को 2 से करते हैं 4 आता है जी। अब किससे करेंगे, देखो 3 से करेंगे तो 3 3 9, बट 3 4 12, ठीक है। अब 9 किस में आता है, 7 की में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7 में आता है, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, बिल्कुल ये लो जी, 7 को करते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 एंड 4 हो गए 32। स्क्रीन पे आपके सामने 2.7 का स्क्वायर रूट है ये, 7.29, ठीक है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिख रहा है, आराम से समझिए, एक मिनट लेट हो सकते हैं बट हम जल्दी नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे सवालों को, ये जल्दी करेंगे तो शायद हमारे सवाल गलत हो सकते हैं, मेरे ना हो, शायद आपकी समझ में ना आए इसलिए आप गलत कर सकते हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से आपको सवाल समझा रही हूँ, ताकि आपके सिर के ऊपर से ना जाए, आप क्या उस चीज़ को आराम से समझेंगे, समझेंगे तो ठीक ही कर पाएंगे, और अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो होएंगे ही नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 51.84, बहुत इजी है ये भी, 2 2 के पेयर, अब देखो 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, अधिक हो गया, 7 से लपेट दो जिसको, 7 7 49, बिल्कुल 7 7 49 49, में क्या कर देंगे 1 और 2, कितने बच गए 2, और ऊपर पॉइंट चला जाएगा 84, और 7 4 जगह आता 14, अब देखो पीछे 4 आ रहा है, 4 आएगा तो 2 से भी कर सकते, 2 2 4 करके देखे, 2 से ही हो गए तो 2 से करते हैं, 2 2 4 2 4 8 2 1 2, बहुत इजी है ये लो जी, कर दिया 7.2 का स्क्वायर है।
51.84 क्या है, 7.2 का स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर है 42.25, बहुत इजी है ये लो जी 42.25। 6 36 7 49 49 अधिक होता है 6 से कर देते हैं जी 36 आ गया, 36 आ गया तो माइनस करते हैं 6 आ गया और 25 आ जाएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 62 जगह क्या होते हैं 12 होते हैं। अब देखो 5 कब आता है, 5 की टेबल में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, 5 में ही आएगा पक्का। 5 5 ज़ा 25 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, ठीक है 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ये लो जी बिल्कुल किसका आ गया 6.5 का, ये लो जी किसका बन गया स्क्वायर बन गया। स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिख रहा है, आप देख लीजिए बस एक बार, दिखना चाहिए आपको क्वेश्चन निकला हमारा। ओके दिखाई दे रहा है सभी को, बस अब इतना दिखाई देगा तो क्वेश्चन ही एक बचा हमारा 31.36, बहुत इजी है ये देख लीजिए 5 नंबर 31.36। 5 5 ज़ा 25 6 6 ज़ा 36, तो 5 का लेते हैं 5 5 ज़ा 25 बचा गया, माइनस करते हैं तो 6 बच जाए, पॉइंट ऊपर चला जाएगा 36 से आ गया, 5 2 ज़ा 10 होता है जी। अब किस से करें, 6 किस में आते हैं, 4 में आ सकता है 6 में आ सकता है, 4 से करके देखें 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 नहीं आएगा, 6 से करके देखें 6 6 ज़ा 36 6 1 ज़ा 6, यानी कि मैंने जो स्क्वायर रूट इसीलिए तो बताए थे ताकि स्क्वायर रूट आ गए तो आप पीछे की डिजिट दे सकते हो, लास्ट डिजिट देख के अंदाजा लगा सकते हैं हम किस टेबल में आएगा। मेन मोटिव मेरा समझाने का क्या है स्क्वायर रूट, कि उसमें आप लास्ट डिजिट को देखिए, उसमें ये पता चल जाएगा ये इस टेबल से मैच खाएगा, अन्यथा तो नहीं, तो करते रहेंगे 2 से 3 से 4 से, ऐसे तो हम टेबल गिनते रह जाएंगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा हमारा, नहीं शॉर्ट ट्रिक में चलना आपको। 6 से करते हैं 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, ये लो सेकेंडों में क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो अटके रहेंगे हम यहाँ, करते रहेंगे 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 होता है जी, पीछे क्या आता है जी, बस आप लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट देखिए आपने, स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, 10 तक याद होनी चाहिए, छोटे बच्चे भी कर लेते हैं आई थिंक, बड़ों की तो बात ही है। अब आप स्क्रीन पे एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। देख लीजिए एक बार इसका बैक साइड भी देख लीजिए, ये लीजिए ठीक है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको सवाल, 3 नंबर दिखा रही हूँ, 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दिखाई देगा ना। अब ये इसके थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट थे, कुछ नहीं है, पॉइंट का ध्यान रखना है, डेसिमल में दे रखा है तब भी ऐसे ही करना है, विदाउट डेसिमल दे तब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से बोलें तो ऐसे ही करना हमने। ओके ना ही घबराना है ना ही थकना है, थकना मना है मेरी क्लास में, घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। अब बच्चा इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9, आप चाहते हैं इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो भाई अच्छे से लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और कुछ बचे तो भाई कोई आपको डाउट है तो उसके लिए क्या करिएगा, कमेंट करिएगा ठीक है, और साथ साथ भाई शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा, लाइक चाहे भूल भी जाएं आप बट क्या है, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे आने वाले समय में मैं आपको क्या है इससे आगे की वीडियो दे सकूं, और एक जो आपके यूट्यूब के चैनल पर जो मेरे चैनल का थंबनेल है उसके साइड में रेड कलर का आइकन दिखाई देगा, उसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, उसको मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ मेरी आपको मिल जाएँ। थैंक यू सो मच।